हेलो फ्रेंड्स, केम छो? ठीक छो? मज्जा मा छो? दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने हमेशा ये कहा है कि मलयालम इंडस्ट्री जो है ना भाई, एक वक्त ऐसा आएगा कि इंडिया में सबसे टॉप पर होगी। और उसकी अब उन्होंने एक और मिसाल फेंकी है, एक ऐसी मूवी, एक ऐसा नगीना जो कि भाई सिनेमा के वर्ल्ड में हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस जिसने इस मूवी को देखा है ना, उसके दिल में ये मूवी छप चुकी है भाई। इस मूवी का नाम है मंजुमल बॉयज। क्या दिमाग फाड़ मूवी बनाई है बॉस। ये मूवी जितनी सिंपल है ना, उतनी ज्यादा बड़ी और लार्जर देन लाइफ है। कहानी जो है इस मूवी की बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन जब आप इसे फील करते हो, महसूस करते हो, तो ये आपको सबसे बड़ी लगती है। यही इस फिल्म की ब्यूटी है। कहानी मूवी की कुछ इस तरह है कि भाई दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त यार होते हैं जो भाई बचपन से ही लंगोटिया यार होते हैं। वो क्या करते हैं, एक ट्रिप प्लान करते हैं कि भाई घूमने जाएंगे और फुल मजे करेंगे, बॉस बिंदास लाइफ, फुल मजे। लेकिन वहां पर ट्रिप में कुछ ऐसा होता है जो उन सबकी जिंदगियों को बदल के रख देता है भाई। शुरू शुरू में जो ना मूवी, जब आप ये देखोगे तो शुरू के 30 मिनट आपको उनकी दोस्ती जो है बिल्डअप होती हुई दिखाएगी। लेकिन जब वो पिकनिक पर निकलते हैं और जब गुना केव्स में उनका एक दोस्त जो है वो नीचे निकल जाता है, गार में या केलो खड्डे में गिर जाता है, तो फिर असली फिल्म स्टार्ट होती है। बेसिकली ये फिल्म एक सर्वाइवल थ्रिलर रेस्क्यू मिशन फिल्म है, जहां पर कोई भी ट्रेंड इंडिविजुअल काम नहीं आता, कोई पुलिस वाला काम नहीं आता, कोई भी मतलब आप ये कह लो कि ट्रेंड बंदा जो है आपकी मदद नहीं करेगा, वहां पर आपका दोस्त आपकी मदद करेगा भाई। इस फिल्म में आपको एक ऐसी दोस्ती की मिसाल दिखाई गई है जिसे देखने के बाद आप अपने तमाम दोस्तों को जरूर याद करोगे और बोलोगे यार दोस्ती जो है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की। मंजुमल बॉयज की कहानी भी बिल्कुल इस तरह है। जब उनका एक दोस्त गिर जाता है खड्डे में, तो किस तरह दूसरा दोस्त आगे आता है उसको बचाने के लिए। भाई ब्रेथ टेकिंग सीन्स है यार, जैसे ही बंदा जो है गिरता है उसके बाद से भाई फिल्म जो ग्रिप लेती है, तब से लेकर एंड तक भाई आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगी। आपको दिखाएगी स्ट्रगल, दोस्तों की मेहनत, कि भाई किस तरह वो अपने दोस्त को बचाने के लिए मेहनत पे लग गए हैं। और जब वो गिरता है, वो जो गिरने वाला सीन दिखाया ना भाई, आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिस मूवी इज एन ऑस्कर वर्दी फिल्म, जिस पर लाजमी जो है लाजमी ऑस्कर वालों की नजर पड़नी चाहिए, क्योंकि ब्रेथ टेकिंग सीन्स तो देखने को मिले, साथ ही साथ असल मूवी का जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था ना, जो रियलिटी पर बेस्ड हो गुजरा था, वो जो उसको फील कराया है, वही असल मूवी की पहचान है। और रियलिटी पर बेस्ड मूवियां जो है उनको मैं वैसे ही ज्यादा प्रमोट करता हूं। आपको ये कहता हूं कि भाई उन मूवी को ज्यादा आप जो है फेवर दो, उसको जरूर देखने जाओ, ताकि ऐसी मूवियां ज्यादा से ज्यादा बने, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मंजुमल बॉयज मूवी जो है ना भाई, आपको अपनी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, आपको दोस्ती की वैल्यू समझाएगी और आपको एक परफेक्ट सिनेमा दिखाएगी। मूवी का स्क्रीन प्ले माइंड ब्लोइंग, डायलॉग डिलीवरी ऑसम, एक्टिंग सबकी भाई ऑसम लेवल पे थी भाई, ग्रैंड लेवल पे थी। और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस और सस्पेंस तो पूछो ही मत। डायरेक्टर को भाई मैं सिर्फ सैल्यूट ही करूंगा कि इस सब्जेक्ट पे मूवी बनाई। और जो एंड में ग्लिम्स दिखाया ना रियल मंजुमल बॉयज के, आपको भाई इमोशनली कनेक्ट करेगी। एक एक कैरेक्टर से आप इमोशनली ऐसा कनेक्ट होगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो हाईली रेकमेंड करूंगा भाई मैं दोस्तों, कि इस मूवी को अगर मिस किया तो बहुत कुछ मिस कर दिया भाई। इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और इसको देख डाला तो लाइफ झींगा लाला। फटाफट जाकर इस मूवी को देखो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपको देखने को मिल जाएगी। काश जो है ना, काश बंदा इस मूवी को बड़े पर्दे पर देखे। और मैं तो यही चाहूंगा इस मूवी को बड़े पर्दे पर जितना हो सके लार्जर स्क्रीन पर देखा जाए, ताकि आप इस मूवी को फील कर सको। तो भाई ये मूवी इजीली जो है 4.5 रेटिंग डिजर्व करती है 5 में से। और बहुत ही कम मूवियां ऐसी होती है जो 4.5 डिजर्व करती है। और आईएमडीबी पर भी इसकी रेटिंग 8 प्लस है, और 8 प्लस रेटिंग वाली मूवियां तो आपको पता ही है फाड़ू मूवीज होती है। तो फटाफट जाकर देख डालो, बहुत मजा आएगा आपको। बाकी मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।